हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं सिलाई के बारे में कुछ बेसिक्स टिप्स बताऊंगी। जो लोग फर्स्ट टाइम कटिंग स्टिचिंग सीखने वाले हो, उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आप ये इस तरीके से अगर फॉलो करोगे, लगभग 1 मंथ में आपका जो सिलाई है, कटिंग और स्टिचिंग दोनों कंप्लीट हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आप 10 मिनट में 20 मिनट में आपका कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना भी इजी नहीं है और इतना भी हार्ड नहीं है। दिल से अगर सीखना है तो बहुत ही इजी है। जो लोग फर्स्ट टाइम है, उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो उन लोगों को जो फर्स्ट टाइम जो करना है, कुछ बेसिक चीज से उन लोगों को स्टार्ट करना है। तो बेसिक चीज के लिए सबसे आसान है ये एलाइन फ्रॉक। ये जो एलाइन फ्रॉक है, ये आप फर्स्ट टाइम जो सिलाई सीखने वाले हो, उन लोगों के लिए सबसे फायदेमंद है, क्योंकि सेम मेजरमेंट पे आप कुर्ती कमीज कर सकते हो। सिर्फ मेजरमेंट ज्यादा लेना है और कुछ नहीं। पहला आपका जो बेसिक चीज है, आपको जो फर्स्ट बेसिक चीज है वो यही है, एलाइन फ्रॉक है। तभी आपको देखना है किस तरह से लेंथ लेना है और शोल्डर कहाँ से लेना है, आर्म होल कहाँ से लेना है, नेक लाइन कितना लेना है। इस तरह का जो बात है मैं आज इस वीडियो पे बताने वाली हूँ। तो मैं ऐसे अगले 1 महीने तक मैं उन लोगों के लिए कुछ वीडियो अपलोड करूंगी जो फर्स्ट टाइम कटिंग स्टिचिंग सीखने वाले हो। जो लोग पुराना है उन लोगों को जरूरी नहीं है, उन लोगों को पहले से आता है। जो लोग फर्स्ट टाइम सीखने वाले हो, उन लोगों के लिए मेरे ये वीडियो है, आज का ये वीडियो है। तो आपको सबसे पहले ये जो एलाइन फ्रॉक है, इसमें देखना है लेंथ कहाँ से लेना है। ये आपका ड्रेस है, यहां से यहां तक आपका शोल्डर से जितना तक आपको लेंथ चाहिए, आपको उसी हिसाब से लेंथ लेना है। तो मैं यहाँ पे कितना लिया लेंथ, 18 इंच लिया। ये मैंने पॉइंट दिया ए और यहाँ पे दिया बी। तभी ए से बी तक कितना है, मैं इधर लगा दूंगी ए बी। तो ऐसे बी तक कितना आया, 18 इंच आया। यहां से यहां तक टोटल जो लेंथ है वो 18 इंच आया। उसके बाद आता है शोल्डर, तभी ऐसे सी तक, ये ऐसे सी तक ये आता है शोल्डर। तो शोल्डर कितना है, ये है ऐसे सी तक शोल्डर है। अगर थोड़ा बच्चा थोड़ा हेल्दी है, बेबी थोड़ा हेल्दी है, तो 5 इंच लेना है, अदरवाइज ये 4 इंच देना है यहां से यहां तक। उसके बाद लेना है आपको आर्म होल, यहां से सी से डी तक, ये सी से डी तक आपको आर्म होल लेना है। यहां तक आपको आर्म होल लेना है। तो आर्म होल कितना लेना है, ये मैंने 4 इंच लिया, क्योंकि ये 1 से 1.5 साल की बेबी के लिए है। तो इसमें आर्म होल और ज्यादा नहीं चाहिए, इतना उन लोगों के लिए ठीक ही है, सही है। अगर आपको चाहिए तो 1/2 इंच ले सकते हो, लेकिन यह इस उम्र के लिए सही है। उसके बाद चेस्ट, तो मैं ये कहां से लगाऊंगी, ये है डी। तो मैं सपोज यहां से ई लगा दूंगी, ये ई से ये है डी, तो ई से डी तक, तो ई से डी तक कितना है टोटल, 7 इंच। उसकी बात है नीचे का जो मोहरी है, घेर है नीचे का, ये कितना चाहिए, तो ये मैंने 9 इंच लिया। तो अभी ये इधर मैंने एफ दिया, तो बी से एफ तक ये कितना है, 9 इंच है। यहां से यहां तक ये मैंने दिया 9 इंच। उसके बाद क्या रहेगा, नेक लाइन, तभी ए से जी तक,
यहां से यहां तक, ये होता है नेक लाइन। यह है नेक लाइन, नेक लाइन मैंने कितना दिया, 2 इंच दिया नेक लाइन। उसके बाद यहां से यहां तक ये है नेक डिप्थ। तो नेक डिप्थ अभी कितना देना है, ये है बैक साइड जो छोटा है, ये है बैक साइड के लिए और ये है फ्रंट साइड के लिए। अभी जी से एस तक, जी से एस तक ये कितना दिया मैंने, जी से एस तक ये नहीं है, जी से एस तक होगा ये है बैक नेक डिप। जी से एस तक ये होगा बैक नेक डिप 1.5 इंच जी से एस तक। तो अभी जी से आई तक कितना है, यहां से यहां तक कितना दिया मैंने, 2.5 इंच जी से आई तक, ये मैंने दिया 2.5 इंच। तो इसमें सिर्फ मेजरमेंट इतना ही है। उसके बाद आपको अगर आप चाहो तो ये कमर पे हल्का सा शेप दे सकते हो। तो ये कहां से देना है, यहां से 4 इंच नीचे, आर्म होल से 4 इंच नीचे आप हल्का सा शेप दे सकते हो इसको, इस तरह से ऐसे करके ये शेप आप दे सकते हो। तो ये है टोटल जो मेजरमेंट है वो। उसके बाद स्लिप्स लेना है, स्लिप्स का लंबाई आपको जितना चाहिए आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो मैंने ये एस बी तक ये 4 इंच दिया लंबाई, एस बी तक ये 4 इंच दिया लंबाई। उसके बाद क्या करना है, सी से यहां तक डी तक एक पॉइंट देना है, एस से सी तक, ये ऐसे सी तक कितना लेना है, ये आप 6.5 इंच भी दे सकते हो, 7 इंच भी दे सकते हो। हाफ इंच ज्यादा लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन कम होने से प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने हाफ इंच बोलूंगी, आप हाफ इंच ज्यादा ही रखिए। तो इतना चाहिए नहीं, फिर भी हाफ इंच मैंने ज्यादा लिया। तभी यहां से ऐसे सी तक मैंने 7 इंच दिया, देने के बाद सी से डी तक, सी से डी तक 2 इंच, यहां से यहां तक ये 2 इंच। उसके बाद इसको क्या करना है, इस तरह से सीधा मिला के देना है, तो सीधा इस तरह से लेके आना है। तो अभी ये जो स्लीव्स का गुलाई है वो कितना लेना है, अभी यहां पे लगा दीजिए ई, तो बी से ई तक, बी से ई तक कितना देना है, ये 4 इंच देने से हो जाएगा। अगर आप चाहो तो ज्यादा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 4 इंच देने से हो जाता है। उसके बाद इसको भी इस तरह से मिला देना है, ये मिला दिया। फिर इसको क्या करना है, शेप देना है यहां से इस तरह से, ये स्लीव्स का शेप आ गया, ये 4 फोल्ड में होगा, ये 4 फोल्ड। तभी ये जो ये लाइन फ्रॉक है इसको मैं पहले 2 फोल्ड में करूंगी। पहले मुझे बैक पार्ट काटना है, उसके बाद फ्रंट पार्ट। अभी आप चाहो तो इसमें बेल्ट भी लगा सकते हो अपने हिसाब से, जितना चौड़ा जितना लंबा आपको बेल्ट चाहिए आप अपने हिसाब से इधर बेल्ट भी लगा सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो पे मैं फैब्रिक पे कटिंग एंड स्टिचिंग करके बताऊंगी। तो बेसिक सिलाई का यह है फर्स्ट वीडियो। उसके बाद मैं अगले 1 महीने तक जितना बेसिक वीडियो है सिलाई सीखने के लिए पूरा मैं अपलोड कर दूंगी। तो जो लोग फर्स्ट टाइम सिलाई सीखने वाले हो उन लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को वॉच करें। आप जरूर 1 महीने में यह आपका सिलाई कंप्लीट हो जाएगा। डिजाइन आप बाद में कर सकते हो, डिजाइन कटिंग स्टिचिंग में डिजाइन मेन चीज नहीं है, मेन बात है सही तरीके से फैब्रिक को सही मेजरमेंट पे कटिंग करना और सिलाई करना है। हर साइज का अलग अलग साइज का किस तरह से काट करना है, मेजरमेंट लेना है,
वही मेन चीज है। अगर वो आपको आ गया उसके बाद डिजाइन आप अपने आप कर सकते हो, डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पहला आपको है कटिंग मेजरमेंट सीखना है, किस तरह से मेजरमेंट लेना है, किस तरह से कटिंग करना है, वो ही आपका मेन है। मैं फिर से बोलूंगी, 5 मिनट में या 10 मिनट में कभी भी ये कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट नहीं होता। इसके लिए आपको मिनिमम 15 डेज से 1 मंथ चाहिए, उसके बाद आपको जो परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग ये आप सीख पाओगे। अगर कोई बोलता है 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं नहीं मानती, क्योंकि आपको मिनिमम 1 मंथ चाहिए। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, मैं इसी तरह आगे भी आपको वीडियो देते रहूँगी। तो अगर आपको मेरे आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।